तो कोई और नीचे सो जाओ ना, तो कौन आ रहा? हराम चला तुमने जिंदगी। पीछे से रिक्वेस्ट आई है कुछ, तो बात भी अंदर से हंसी आ रही थी और अचानक से रिक्वेस्ट आई है व्लॉग चालू करो, जैसे कि अब मेरे व्लॉग में इंसाफ मिलेगा सबको। व्लॉग चालू कर दिया? हाँ। अरे मैं आईफोन की बात करता हूँ, नॉर्मल बैठे हुए कैमरा अच्छा होता है। हाँ। ट्रैकिंग कैमरा है तो उससे क्या पूरी मूवी बन जाएगी। हाँ। तो मैंने कहा नूर का तक आईफोन चाहिए खरीद ले, फिर मैं काम कर भैया लेंगे आईफोन 14 लेंगे ना, और भैया तो 12 ले लियो, तेरे भाभी ले लेंगे। अगर फिर भी भैया 12 ना दे बोलते भैया ऐसे आपको नहीं आईफोन, ठीक है ना? बस यही बात थी। इन्होंने ढंग से बोला नहीं वहाँ पे, ढंग से क्या बोला था वहाँ पे फिर से फिर बोले ना भैया आजकल लोग में लेने की जरूरत नहीं है। आईफोन में नहीं आ रहा तुम्हारे। आई विल बी रीचिंग 4 lakhs वेरी सून, 5 lakhs सून, 5 lakhs सून। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 lakh 4.5 lakh 1 महीने में पूरा। अभी ना अंदर बैठे ब्लॉग देख रहे हम, तो मैं देख रहा 1 lakh 6 lakh 1 lakh 6 हजार हो गया। तो उन्होंने कहा कितना व्यूज आ गया, मैं भाई 1 6 तेरा देखा, ये होता हमारा फायदा आने का। एक दिन में 1 6 बाकी भी देखो 4 दिन 9 दिन तो 1 6 पहुंच रहा है, 1 6 के साथ ही जब तक बोला भी नहीं हमने। मुझे लग रहा है उन्होंने कॉपी मेंटेन कर रहा है पीछे, जिसमें वो सब अपने हर व्लॉग की इनकम के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर देगा। कभी कलेश होएगा, मेरे को दे दे मेरे 5 लाख जो मेरे व्यूज के आए ना देगा तू मेरे को। तभी तो बॉडी बना रहा है कि वक्त आने में मेरी गुद्दी 1 लाख मेरे, जो एक दिन में 1 लाख तुम्हारे पैसे है ना, तभी तो ये बॉडी बना रहा है वक्त आने में मेरी गुद्दी पकड़ सके। गौरव भैया से बड़ा भी हूं मैं तो, वो दिन दुनिया जितनी सीधे रो रहा है। गौरव सुनो है, गौरव बोलेंगे एक बात होता, तू तू एक भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है ना, उसमें एक तो है गिल्ली डंडा। हाँ। नंबर 2 ऊपर चुंगी हो गया, चुंगी कौन सा, वो जो रबड़ मारन पिट्टी हो गया। ज्यादा ज्यादा चुंगी मत कर, अगर पता ना क्या होता है। हाँ ना बोल। मारन पिट्टी हो गया बॉल से। हाँ। और कौन सा हो गया, बहुत से गेम तो है मैं खेलता हूँ, बैडमिंटन हो गया जब इसे खेलने आ रहे हैं, और रैंड को इनको घुसंडे घुसंडे पार्क में वो होता है ना स्कूल में। हाँ। ठंड में कोई यार मुझे ज्यादा स्वेटर पटाईपट पटाईपट बनाऊं मोर साले का, पंखे बोल दो पूरे बिठा के, क्या बोल दो पंखे बोल दो पूरे मोर की तरह, ये सब करते तुम स्कूल में? सभी करते स्कूल में, जाहिर सी बात है कौन नहीं करता, पूछो सबसे पूछो कमेंट में क्या कौन करता नहीं करता। ठंड आ रही है किसी घर में ना, घर में कह रहा हूँ यार, जब ठंड आती स्वेटर लग के ना किसी के मुंह पर ना पटापट पटा के चले गए, वो देखते किसने मारा। ये काम सबने किया, पूछ लो देखा है? ऐसे तो है नहीं कि मैं अकेला हूँ जो ऐसे काम करवाता हूँ या करता हूँ। और नोनू ने कभी नहीं करा ये? करा। नोनू ने नहीं करा ऐसे, नोनू हमेशा इन बच्चों को बोल देख के बोलता था इडियट्स। दिखाइए कैसे होता है ये देखो दोस्तों अभी बाहर गए थे चुपचाप बोल के गए, वॉक करने जा रहे हैं, आज वो नीचे बर्गर टिक्की खा के आए हैं, ये रात के टाइम 9:15 बजे ये चल रहे फ्रूट, अभी चावल बने पड़े और हलवा, कल तो कुछ नहीं बचने वाला आपको, एक मैगी चुपचाप नहीं निकली। पहले 2 बार इन्होंने मुझे उठाया किचन में, देख क्या है वो ब्लूबेरी की कहानी तो बता पहले।
ब्लूबेरी की कहानी, ब्लूबेरी आओ ब्लूबेरी की कहानी तो सुनो इतने सीधे बताना निखिल वाली ब्लूबेरी ना सुना क्या हाँ मैंने बोला था कि कल मैं स्मूदी बनाऊंगी ब्लूबेरी और बनाना की हाँ। फिर मैं खा रही थी वहीं बैठ के तो कह रहा स्मूदी बनाएगी तू 300 रुपए का एक डब्बा कौन कह रहा नोनू कह रहा निखिल 300 बार डब्बा आता है बैठे रहे अभी कल बनाएंगे स्मूदी उसके आज आज एक्चुअली वो केला वो हुआ होगा ना केला वो ना पका था अभी नहीं पका ये आजकल ऐसे ही आ रहा है क्या करें मजा नहीं आता उसमें केले और ब्लूबेरी दूध में ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं अच्छी बात दोस्तों यूजुअली जब इंटरनेट नहीं होता तो लोग ये गेम खोलते हैं भाई के पास वक्त अपने पास इतना है इन्हें इंटरनेट बंद कर दिया पता है इसने इंटरनेट बंद कर दिया ताकि ये गेम खेल पाए योगी ये गेम ये ले चलो अरे शिट यार अभी नेट यूज करना पड़ेगा अब इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा बताओ यार क्या निक चोपड़ा कह रहा है एक साइड में बुला रहा कह रहा सुनो मेरी बात सुनो अगला वीडियो डालोगे ना अगला वीडियो चुपचाप मेरा आईडी डाल देना नीचे मैं नहीं डालूंगा तेरा आईडी तू उल्टी सीधी चीज डालता है बाद में कर तो क्या हो गया डालो मेरा आईडी क्या है तेरा आईडी बताइए डालता मैंने कुछ भी तो क्या हो गया हां मैंने कोई सीधा कुछ डालता नहीं उल्टी सीधा स्टोरी होती है खाली और क्या होता है कुछ मैं कोई और नीचे सो जाओ ना अरे अभी ऊपर सो जाएगी नीचे सोएगी अरे तो मैं जा रही हूं भैया जबरदस्ती बोल रहा है टाइम बनाओ पहले मुझे सॉरी टाइम बनाओ अब चिल्लाना अब चिल्ला 11:40 यहाँ ठीक तो है क्या दिक्कत है सोने में मैं तो कुछ कहने था भाई तू नीचे सो वो भी सोएगी नीचे किसी ने बोला उसे ना खुद का देखे जो सो गया वो सोना ही नीचे नहीं तुम्हारा मन नहीं है ना मैं सो जाऊंगी मैं सो जाऊंगी सुबह तो चार घंटा है मैं बोले सो जाऊंगी मैं अपने आप ही बोलने की जरूरत ही पड़ेगी इसने भी छाया गद्दा वद्दा भी इसने खुद बचा गद्दा ना पूछो उससे और ऊपर आके लेट गया तो बोला करे कि मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर में अरे मैं जा रही हूं बस मैं नहीं जाएगी यार ये नाटक है तुम चले आ रहे हो नो तो वेब सीरीज नहीं देख रहे एक एक दिन तुम तीनों ने राउंड लगाया कि एक दिन निखिल एक दिन नोनू ऐसे मैं ही सो जाऊं तीनों दिन तो अब क्या हो गया ये बेचारा हर जगह सिंपैथी खींच जाता पता मैं मेरे को नीचे भी सुलाते हैं मुझे दुकान में भी लेके जाते हैं दुकान में तो इसे खुद मजा आता है दुकान में तो खुद मजा मनाली में भी इसे दुकान की याद आ रही थी भैया आज कितनी सेल हो गई होगी दुकान ऊपर चढ़ा पड़ा है पहाड़ पे लटका पड़ा जान से सेल पूछो पापा से सेल पापा से हां भी तो गया हां पार्टी करने गए थे कुछ तो रेस्टोरेंट में और अभी सेल थोड़ी ज्यादा हो गई थी आज से बता रहा आज ज्यादा हो गई सेल गुड नाइट दोस्तों पूरा वैसा हो रखा जो घर पे आ रखे सब और अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही अब देखते ऊपर आ जाएंगे एक बार मेरे और मानी में पता क्या हुआ था रात को हम ऐसे लेटे और सिंगल बेड होता था साले सोने की जगह नहीं तो घुस नहीं रहा मैंने ऐसे मुक्का रात को घुसंड मारा कोहनी तब ये लोग नहीं हुए थे तो मैंने कोहनी मारी उसकी नक्सीरी फट गई पता रात को 12 बजे कुछ कर रहा पापा आए थे पता नहीं क्या कमरे में लाइट वाइट बंद कर देखा क्या वो लाइट जला के देखा मैं कोहनी मारा उसके नाक से खून आ रहा हराम चला तुमने जिंदगी भाई तो ऐसे आगे मारा ना जिंदगी खराब कर ये दोनों ऐसे मुक्के छाती में मारा दांत पीसते ना बाबा एकदम पूरे गुस्से में वो वाला आगे वाला कमरा नहीं था हॉल वाला तो लैंडलाइन और लेके चल रहा है बहुत ही खेच अरे हम लोग भी तो अभी जैसे लड़ते हैं ना कमरे में तो आगे बोल बहुत तेज चिल्ला रहे हैं गुस्सा कर लेते हैं तो मैं रुक रहे नहीं रुक रहे मैं चला जाऊंगा ऐसे ही तुम लोग अभी भी गंदा वाला झगड़ा करते हो किसके नोनी के साथ करता है तो और किसके साथ तुम मतलब हाथापाई करते हो तुम लोग
मारती है तो खाती है फिर वापस। नहीं मार लेती है ये, अगर मैं हाथ मारती हूँ तो पता कहाँ मारती हूँ यहाँ मारती हूँ आंखों के पास। न्यू ईयर वाले दिन भी तो थप्पड़ मारा मेरे चश्मे गिर गया सीधे। पता कैसे मतलब तो इशू मारा बगीचे में दोनों क्या हो गया कैसे मैं तुमको बताऊं भाभी पता नहीं कौन मासिस कमीशन दोनों ने पूरा हाथ पकड़ा ही बोल रहा कह रही थी क्या कह रही थी कौन मम्मी ने नोनू ने अच्छा नोनू ने इसका हाथ पकड़ बोल क्या कह रही थी अब क्या कह रही थी बोल अब आपकी इच्छा भाई साहब मैं तो क्या कर दो।